सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू एक्सप्लेनेशन में। तो मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं हमारे प्यार चैनल अनएंडिंग एजुकेशन को। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग हमारे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर पढ़ेंगे, रिटन बाय विलियम और डॉगलस। सो गाइस, आज जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको आज का स्टोरी से बहुत चीज सीखने को मिलेगा। सो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और वो तीनों क्वेश्चन का जवाब अपने दिल से पूछ के सही सही देना। क्या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं। क्या अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया? नहीं। क्या आप लोगों ने हमारे वीडियो को देख कर कमेंट किया? नहीं। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया तो जल्दी से करो। और जो भी बंदे हमारे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ये तीनों चीज कर लेना। तो चलो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस चैप्टर का एकदम शॉर्ट समरी जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में विलियम डगलस, जो इस चैप्टर के ऑथर है, वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। तो वो इस स्टोरी में हमें बताते हैं कि उन्हें पानी का फोबिया था, यानी कि उन्हें पानी से बहुत डर लगता था। तो वो हमें इस स्टोरी में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पानी के फियर को ओवरकम किया और लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं। तो ये जो चैप्टर है डीप वाटर, वो एक बड़े से बुक का एक छोटा सा हिस्सा है और उस बुक का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन। तो विलियम डगलस स्टोरी को ये बोलते हुए शुरू करते हैं कि जब वो 10 या फिर 11 साल के थे, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। स्विमिंग सीखने के लिए वो पास के YMCA पूल जाते हैं। उसके घर के पास ही एक यकीमा नाम का एक रिवर भी था, बट वो सोचते हैं कि YMCA पूल यकीमा रिवर से ज्यादा सेफ है, तो इसलिए वो फिर YMCA पूल चले जाते हैं। YMCA पूल एक बहुत बड़ा पूल था जिसके एक साइड में 2 से 3 फीट पानी रहता है, जबकि दूसरी साइड में 9 से 10 फीट गहरा पानी होता है। विलियम डगलस को पानी का फियर था और ये फियर बचपन से ही उनके साथ था, क्योंकि जब वो एक दिन यकीमा रिवर अपने पापा के साथ जाते हैं स्विमिंग सीखने, तब एक बहुत बड़ी सी वेव उनके ऊपर से गुजर जाती है और उनकी सांस को दबा देती है। तो उसी दिन से ऑर्थर को पानी का बहुत ही ज्यादा फियर हो जाता है और ये फियर उनके मन में उस टाइम तक था। तो जैसे ही वो अब YMCA पूल जाते हैं, वैसे ही उनका चाइल्डहुड फियर वापस आ जाता है और उस टाइम पे वहाँ पे वो अकेले होते हैं। अब उन्हें अकेले पूल में जाने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, तब वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ देर तक सभी का आने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद वो पूल में स्विमिंग सीखने जाएंगे। और फिर ये सोचकर वो पूल के किनारे बैठ जाते हैं। अब एक 18-year-old लड़का आता है, वो पूरा फिजिकली फिट होता है। वो अचानक ही विलियम को उठाता है और उसे बोलता है हे स्किनी, और ऐसा बोलकर विलियम को पानी में टॉस कर देता है, यानी कि पानी में फेंक देता है। विलियम पूल के सबसे गहरे एंड में थे और वो धीरे धीरे अब नीचे जाते जा रहे थे। नीचे जाते वक्त उसने सोचा कि जैसे ही वो नीचे पहुंच जाएगा, तब वो एक बड़ी सी जंप मारकर वापस ऊपर आ जाएगा और ऊपर थोड़ी बहुत तैर कर वो 2 से 3 फीट वाली साइड पे पहुंच जाएगा। लेकिन इसका उल्टा होता है, उन्हें वो 9 फीट 90 फीट जितनी लग रही होती है। तो अब जैसे ही वो नीचे की साइड पहुंचते हैं, वैसे ही वो जोर से उछलने की कोशिश करते हैं, बट जैसा उनका एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहे थे जैसे ही उन्होंने जंप किया था। उसके चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा होता है और अब उन्हें सांस भी लेने में दिक्कत आने लगती है और अब उनकी सांसें धीरे धीरे बंद होने लगती है और वो अचानक ही बेहोश हो जाते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो गाइस, क्या ये हमारी स्टोरी का एंड है? क्या ऑर्थर का यहाँ डेथ हो जाएगा? क्या ऑर्थर स्विमिंग पूल से निकल पाएंगे? चलो आगे की स्टोरी में देखते हैं। तो जैसे ही विलियम की आंखें खुलती है, वैसे ही वो देखते हैं कि वो पानी से बाहर आए हुए हैं
और पूल के साइड में उल्टे पेट लेटे हुए थे और उसके पास वही लड़का खड़ा था जिसने उन्हें पानी में फेंका था। और वो लड़का बोलता है कि मैंने तो तुमसे एक छोटा सा मजाक किया था। मजा आया भाई, लोग इसे छोटा सा मजाक कहते हैं। व्हाट द, इस छोटे से मजाक के कारण ऑर्थर के साथ बड़ा वाला मजाक हो जाता जिंदगी भर का और उनके साथ कांड भी हो जाता। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वो 18 ईयर ओल्ड बॉय आगे कहता है कि मैंने तो तुमसे एक छोटा सा मजाक किया था और मुझे क्या पता था कि तुम सच्ची में डूबने लगोगे, लेकिन ये तो विलियम ही जानता था कि वो लगभग मौत के मुंह को छू के वापस आ चुका था। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। इस इंसिडेंट के वजह से विलियम और ज्यादा डर जाता है और फिर वो पूल में वापस कभी नहीं जाता। और आसपास अगर वो गलती से चला भी जाता था तो उसके हाथ पैर पूरे के पूरे फूल जाते थे और उसकी डर के मारे पूरी हालत हो जाती थी। तो अब बहुत दिनों बाद राइटर को फिर से स्विमिंग सीखने का मन करता है और वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं। तो इंस्ट्रक्टर विलियम को पूल में ले जाता है और वीक में 5 दिन स्विमिंग करवाता था। तो विलियम को अपने फियर को ओवरकम करने में 3 महीने लग जाते हैं। विलियम को रस्सी के सहारे तैरना आ जाता है। अब इंस्ट्रक्टर विलियम को पानी के अंदर सांस लेने की कला सिखाते हैं क्योंकि पिछले बार जब ऑर्थर पूल में डूबते हैं तब उन्हें सांस लेने की वजह से ही उनका फियर जग उठता है। तो उसी फियर को दूर करने के लिए इंस्ट्रक्टर विलियम को पानी में सांस लेना सिखाते हैं। विलियम इस टेक्निक की बहुत प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करने के बाद अब उसे पानी में सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब विलियम की पानी की फियर लगभग में खत्म हो जाती है, लेकिन अभी भी जब वो पानी के पास जाता था तब उसे बचपन का फियर याद आ जाता था और उसे बहुत डर लगने लगता था। तो वो अपनी फियर को ओवरकम करने के लिए वेंटवर्थ जाता है और वहाँ के ट्रिक्स आइलैंड के ऊपर से छलांग मार देता है। और अब वो 2 मील की दूरी कवर करने के बाद वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुँच जाता है और अब उसका पानी का फियर पूरा खत्म हो जाता है। तो इस एक्सपीरियंस को विलियम कभी नहीं भूलता है। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था विलियम के लिए। इस एक्सपीरियंस का डीप मीनिंग था। विलियम ने इस एक्सपीरियंस से 2 बातें सीखी थी, एक टेरर ऑफ डेथ, दूसरा टेरर ऑफ फियर। तो इस एक्सपीरियंस से विलियम को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी डर के भागना नहीं चाहिए बल्कि डर का डट के सामना करना चाहिए और जो लोग ये करते हैं वही लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं। सो गाइस, इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट होता है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.